अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ने। कल होमवर्क दिया था? हाँ जी, स्प्रिंग 18 क्वेश्चन नंबर 1 दिया था। मसले होंगे, हाँ जी, कोशिश की हो तो फिर डिस्कशन का फायदा है। अच्छा चले, जब तक ये ऑन हो, अभी सेशन एंड आता है ना तो वो घबराहट शुरू हो जाती है स्टूडेंट्स को, और लोड बढ़ता है सिलेबस का, पहले सही नहीं भी पढ़ा होता वो भी परेशानी आनी शुरू हो जाती है, फिर ये लगता है कि टीचर्स एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहे हैं और लोड बढ़ता जा रहा है। तो इस वक्त आपको ना ज़रा ज़हनी तौर पे तसल्ली की ज़रूरत है। देखें, मुझे से कोई इख्तलाफ़ नहीं है आपकी परेशानी से कि इस वक्त आप की एक्स्ट्रा क्लासेस हो रही हैं, और मैं खुद ले रहा हूँ रोज़ एक्स्ट्रा क्लास, FER 1 की एक, कॉस्ट की एक, और आप में से जो लोग कॉस्ट और FER 1 दोनों पढ़ रहे हैं मुझसे, तो उनकी तो रोज़ाना ही एक्स्ट्रा क्लास हो रही है। फिर पुरानी चीज़ें पेंडिंग हैं, वो भी तैयारी करनी है, जुलाई एंड हो रहा है। मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस बहुत ज़्यादा होने लग गई, लेकिन इसकी रीज़न पे गौर करें ना, ये जो कोर्स होता है, ये मैंने पहले भी वैसे ही बातें की थी, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ ना परेशानी बढ़ती जाती है, इसलिए मैं थोड़ा और संभालने की कोशिश करता हूँ। आप इसकी एक रीज़न पर भी गौर करिए, क्योंकि रीज़न समझेंगे तो फिर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। अब आज क्या लिखा था मैंने, 91 मैंने आज क्लास लिखी, और 12 क्लासें उसकी मिला लें, 10, 12 तो मेरी एक्चुअली तकरीबन 12 ही ऑफ थे, तो 12 क्लासें वो हो गई, यानी ऑफ निकल गया ना, पूरा पढ़ा दिया इसका मतलब, तो 12 वो मिला दें तो 103 तक पहुंच गए। ये कोर्स अभी तक हमने जितना पढ़ा, कोई क्लासें मैंने कोई ये तो नहीं किया ना कि कहानियाँ सुना सुना के गुजार दी, ये गप्पे लगा लगा के गुजार दी, पढ़ तो हम मुसलसल रहे हैं। अब आप इतना पढ़ने के बाद भी सवालों में मुश्किल महसूस करते हैं, फिर होमवर्क डिस्कशन होती है, क्योंकि कॉस्ट एक मुश्किल सब्जेक्ट है, तो जब मुश्किल सब्जेक्ट है तो फिर मुसलसल मेहनत मेरी तरफ से भी चाहिए, आपकी तरफ से भी चाहिए। कोर्स ख़त्म भी करना है, टपाना भी नहीं है। इस सेशन के अंदर टाइम वैसे भी कम होता है, 2 ईदों वाला सेशन था, रमज़ान में प्रोडक्टिविटी ख़त्म होती, इन हालात के सामने रखते हुए आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एक बहुत मुश्किल टास्क है कैफ को इस 2 ईदों वाले सेशन में पूरा करना। तो पूरा करना जब मुश्किल टास्क है तो बेटर फिर मेहनत भी कंटिन्यूसली करनी पड़ेगी। अच्छा, इसमें भी एक सवाल ये बनता है स्टूडेंट की तरफ से कि टीचर्स तो एक्सपीरियंस्ड हैं, तो उनको ये शुरू में ही पता होना चाहिए। जब मैं शुरू में ही प्लान करता ना कि आपका ये 80-90 दिनों वाला सेशन है, मेरे ख्याल में अगर अब दिन ये तो मैंने एक्स्ट्रा रखी है तो 90 समथिंग तक पहुँचें, मैं तो मई से एक्स्ट्रा क्लासेस चला रहा हूँ। अगर मैंने एक्स्ट्रा ना रखी होती, मैं आपको मई से ही तकरीबन हफ्ते में एक क्लास कर रहा था, फिर जून में मैंने 2-2 क्लासों पे आ गया था, 3-3 क्लासों पे आ गया हूँ। तो अब आप ज़रा दिनों का हिसाब लगा के देखें कि एक्स्ट्रा क्लासें ना की होती तो हम तो शायद कहीं 80 के करीब होते, कोई 80 के आसपास लेक्चर चल रहा होता इस वक्त, 85 पे चल रहा होता, तो 85 लेक्चर्स का ये कोर्स नहीं है, तो इसलिए एक्स्ट्रा तो करनी पड़नी थी। ये प्लानिंग तो शुरू में मौजूद थी कि एक्स्ट्रा करनी पड़नी है, लेकिन टीचर एक्सपीरियंस्ड होता है, स्टूडेंट तो नए ही होते हैं ना, और हर दफ़ा नए होते हैं। अब मैंने जो चीज़ प्लान की हुई है कि ये चीज़ मैं इस एक सवाल से समझा पाऊँगा, लेकिन क्लास में बैठे हुए लोग अगर नहीं समझ सके तो मुझे उस पर बात ये कह के ख़त्म नहीं करनी पड़ेगी, बस मैंने तो कर ली ना कोशिश, बस मेरा काम खत्म हो गया, नहीं, फिर मुझे उसके बदले में एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, फिर मुझे सोचना पड़ेगा नहीं ये कन्वे नहीं हो सका, फिर मुझे एक और सवाल प्लान करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस बैट्समैन हो लेकिन पिच में मसला आ जाए तो उसकी परफॉर्मेंस अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी,
जितना मर्जी एक्सपीरियंस बैट्समैन हो, लेकिन जैसे जैसे बॉलर या पिच चेंज होगी, मौसम चेंज होगा, उसको अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए टीचर्स, आपके सारे सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल का ये मसला ज़्यादा होता है, क्योंकि आप किसी और टीचर से अगर कोई और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं तो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के अंदर मुझे नहीं लगता कोई टीचर जो सोच के पहले दिन आएगा वही सब पूरा कर पाएगा, नहीं हो सकता इस तरह। क्योंकि किस दिन किस तरह के स्टूडेंट्स क्लास में मौजूद थे, हर सेशन में स्टूडेंट्स की नेचर बदल रही होती है, उनका लेवल चेंज हो रहा होता है, क्लास में अगर काबिल लोग डोमिनेट कर रहे हों, थोड़े वीक बच्चे पीछे पीछे रह जाएं, तो वो क्लास ओवरऑल तेज चल रही होती है, लेकिन क्लास में अगर थोड़े से वीक बच्चे डोमिनेट कर रहे हों तो क्लास स्लो स्लो चल रही होती है। जो वोकल बच्चे होते हैं एक्चुअली वो क्लास की टोन सेट कर रहे होते हैं, वोकल बच्चे वो हैं जो पूछ रहे हैं, अगर ज़्यादा पूछने वाले बच्चे हैं या वो बच्चे जो अपनी शक्लों से एक्सप्रेशन बता रहे होते हैं, वो बता रहे होते हैं कि इस वक्त हमें समझ आया नहीं आया है, ये चीज़ें क्लास में टीचर की परफॉर्मेंस चेंज करती रहती हैं कंटिन्यूसली। एक टॉपिक 8 घंटों का सोचा हो, लग जाते हैं 12-13 घंटे परफॉर्मेंस के साथ डिपेंड करते हुए। तो इसलिए इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए कि टीचर्स आपके सारे के सारे कर तो आप ही की बेहतरी के लिए एफर्ट रहे हैं, टपा कोई भी टीचर नहीं रहा होगा, मुझे नहीं लगता कोई भी टीचर आपको टपा रहा होगा, इवन के थ्रेटिकल वाले भी मुझे नहीं लगता कि टपा रहे होंगे। तो जो भी हो रहा है वो हो तो आपके भले के लिए रहा है, आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है कि कोर्स ख़त्म भी हो, कुछ रह भी ना जाए, समझाना भी पूरा हो जाए, प्रैक्टिस भी तसल्ली बख्श हो जाए। ये सब एफर्ट में आप भी टीचर्स के साथ कबूल करते हुए चलेंगे तो आप परेशान नहीं होंगे। मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि आप पे बहुत लोड पड़ रहा है, लेकिन फिर है ना यार, करना है तो करना है, जवान लोग हैं आप, कर लें, सीखिए, आपने करना है ना तो कर लें, गर्मी है तो बस है, ठीक है, फिर है क्या करें, मर जाए जाके फिर। तो इसलिए इस वक्त क्लासेस का लोड है, कोई बात नहीं बेटे, कर लो। अब मेरी इस वक्त अभी फ्लू तो खांसी तो है ही है, लेकिन कुछ सेशन होते हैं ओवरलैपिंग आती है, जैसे इस वक्त मैं कैफ एंड कर रहा हूँ, सी फैफ शुरू कर चुका हूँ, तो मेरा इस वक्त 1 महीना तकरीबन ये कुछ 14 घंटे की टीचिंग पे जाता है। मैं भी इस वक्त तकरीबन 14 घंटे की टीचिंग कर रहा हूँ, सुबह 7 बजे से मैं आऊँ, 7:15 चलो, रात तकरीबन 10 बजे तक मैं क्लासेस में हूँ। अब इस टीचिंग के अलावा और नींद कितनी होगी, एनर्जी कितनी रहेगी, लेकिन मैंने तो नहीं छुट्टी की आज, हालांकि सुबह मुझसे नहीं उठा जा रहा था, लेकिन मैंने नहीं की छुट्टी, करना है तो करना है और कोशिश के साथ ही करना है। तो इसलिए मेरा काम है, मैंने करना है, तो इसलिए आप लोगों का काम है, आपने पढ़ना है, पढ़ना है तो पढ़ना है, इतने सारे मसले आएंगे ज़िंदगी के अंदर, तो ये छोड़ के मेरे पे इतने मसले क्यों आ रहे हैं, छोड़ने मर जाएं जाके, फिर नहीं, ज़िंदा रहना है तो फिर बेटे करना पड़ेगा, ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन आएंगे आपको, क्योंकि आप सर्विस सेक्टर में हैं, आप लोग सर्विस सेक्टर में हैं, आप लोगों ने मशीनों पे यूनिट्स नहीं बनाने जाके, आप सर्विस सेक्टर में हैं, और सर्विस सेक्टर में बहुत मौके ऐसे आएंगे जिस पे आप पे बहुत सारा वर्क प्रेशर आएगा, कभी वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि लोगों के नर्वस ब्रेकडाउन भी हो जाते होते हैं, जो लोग नहीं कर पाते। तो इसलिए आपको इतना प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ेगा, यही सीख रहे हैं आप लोग, अपनी स्टूडेंट लाइफ से ही सीखना शुरू कर दिया आपने। आपको काम का प्रेशर भी मिलेगा, आपको चूंकि आप सर्विस सेक्टर में हैं तो आपने एक टीम को साथ लेकर चलना होगा, आपने टीम का हिस्सा बनना होगा, अजीब अजीब टेढ़े मेढ़े लोग भी आपकी टीम का हिस्सा होंगे, दिल करेगा चपेड़ मार के इनके साथ लड़ाई कर लें, लेकिन करना पड़ेगा मैनेज, चलना पड़ेगा। कुछ बच्चे सवाल में ऐसे होते हैं, सवाल पूछने मेरा दिल करता है सर दीवार में मार दो, नहीं लेकिन करना है तो करना है। तो जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर आप मुकाबला कर सकते हैं हालात। तो इसलिए एक्स्ट्रा क्लासेस आ रही हैं, आने दें, पढ़ते जाएं, बस जमे रहें बस। तो आज एक्स्ट्रा क्लास है, ठीक है। K2 और K9 दो प्रोडक्ट्स हैं, और इस वक्त ये दो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इन दो प्रोडक्ट्स का डाटा दिया हुआ है, सेल प्राइस दी हुई है, मटीरियल, इन दो प्रोडक्ट्स का डाटा है, सेल प्राइस, मटीरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड, यानी ये फिक्स्ड ओएआर दिया हुआ, रुपीस पर यूनिट है ये सारा, तो ये फिक्स्ड ओएआर, अप्लाइड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, यानी ये फिक्स्ड ओएआर दिया हुआ पर यूनिट, वेरिएबल पर यूनिट है, लेबर है, मटीरियल है। K2 और K9 का डाटा दिया हुआ है, मंथली डिमांड, यहां तक ये K2 और K9 का डाटा है। उसके बाद एन ओवरसीज कस्टमर हैज ऑफर्ड टू परचेज, हैज ऑफर्ड, अभी उसने ऑफर किया है, अभी हमने उसको हां नहीं बोला है। डिटरमिन द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट कैन बी अर्नड बाय एसएल इन द अबव सिचुएशन। अब ये जो उसने कहा ना मैक्सिमम प्रॉफिट, इस वर्ड से और इस वर्ड से मैक्सिमम लेबर आवर्स इतने अवेलेबल हैं, इससे हिंट मिलता है कि ये लिमिटिंग फैक्टर का सवाल है। मैक्सिमम इतने आवर्स अवेलेबल हैं और प्रॉफिट मैक्सिमम करना है। अब यहां पर देखिए ऑप्टिमम प्रोडक्शन वर्ड का मिक्स का वर्ड नहीं आया है, लेकिन सवाल के कॉन्टेक्स्ट से पता चला मैक्सिमम लेबर आवर्स इतने अवेलेबल हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना चाह रहे हैं, तो इसलिए ये लिमिटिंग फैक्टर का सवाल है।
और प्रोडक्ट्स भी एक से ज्यादा हैं। स्पेशल ऑर्डर, ये स्पेशल ऑर्डर आ गया, ये डाटा ही वैसा सा है जैसे उस सवालों में होता था कि इसमें ये मटेरियल लगेगा, इतना पड़ा हुआ है, इतना नहीं है, इतना और लाना पड़ेगा, ये रेगुलर यूज़ है, ये रेगुलर यूज़ नहीं है, मशीनरी है, यहाँ भी किराए पे ले सकते हैं, वहाँ भी किराए पे ले सकते हैं। तो ये रेलिवेंट कॉस्टिंग में इस तरह के हम सवाल करते थे। तो सवाल से पहचाना जा रहा है कि ये स्पेशल ऑर्डर आ गया, और इससे ऊपर जो कहानी लिखी हुई और जो रिक्वायरमेंट लिखी है, इससे पता चल रहा है कि लिमिटिंग फैक्टर है। चूंकि है लिमिटिंग फैक्टर, इसलिए सॉल्व लिमिटिंग फैक्टर के तौर पर होगा। अब वो सॉल्व कैसे होगा, रैंकिंग करने के लिए अब हमारे पास तीन चीज़ें आ गई हैं, तीन चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें जिसको ये सब कहानी समझ आई हो उसको फिर ये एतराज़ हो सकता है कि ये कमिटमेंट वाली चीज़ क्यों नहीं मानी। देखें, K2 और K9 हम बनाते हैं और कस्टमर से हमने A1, तो ये एतराज़ हो सकता है कि A1 को हम कमिटमेंट ले लें और उसके बाद फिर बाकी K2 K9 कर लें। लेकिन अभी उसने ऑफ़र किया है, अभी हमने उसको नहीं कहा कि कितने पैसे हम तुमसे लेंगे, नहीं पैसे तो कहे हैं 35,000, अभी हमने उसकी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। पिछले सवालों के अंदर ऑर्डर होता था, वर्ड ऑर्डर, और कहाँ होता था हैज एक्सेप्टेड। अभी ये कस्टमर ने सिर्फ ऑफर की है, तो इसलिए ये वो कमिटमेंट नहीं है। तो अब हमारे पास रैंकिंग करने के लिए तीन चीज़ें हैं, K2, K9 और A1। चूँकि लिमिटिंग फैक्टर का सवाल है और लिमिटिंग फैक्टर इसमें लेबर आवर्स हैं, तो हमें रैंकिंग करनी पड़ेगी कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर। K2, K9 तो वैसे ही होगा जैसे अब तक कर रहे थे। A1 चूंकि स्पेशल ऑर्डर आ गया, तो अब इसमें सिर्फ कंट्रीब्यूशन यानी सेल प्राइस और वेरिएबल ही नहीं, अगर फिक्स खर्चा भी रेलिवेंट है तो वो भी लेना है। ये बात मैंने कोशिश की थी कि मैं सॉल्यूशन में काफी एक्सप्लेन करके बताऊं। रैंकिंग करते हुए, अच्छा मैं तो सॉल्यूशन पे चला गया, सवाल ये स्पेशल ऑर्डर का डाटा है, अभी डिस्कस करता हूँ तो इनको एक एक करके मतलब बताता हूँ। अभी जो मैंने सवाल का ओवरऑल इंट्रोडक्शन दिया है, सवाल की प्लानिंग करके बताई है, यहाँ तक इसमें बताएं कि अंग्रेजी पढ़ के आपको इसमें मजीद कुछ पूछना है तो कुछ। K2, K9 और A1, ये तीन है जिनकी हमने लिमिटिंग फैक्टर के जरिए सॉल्यूशन करना, जिन्होंने किया है यहाँ तक, जिन्होंने किया है। अच्छा, किन्होंने किया? चलें, कोई बात नहीं, इसलिए रिकॉर्डिंग है, जब करोगे तब सुन लेना। जिन्होंने भी किया है यहां तक जितना बताया उसमें कोई इख्तलाफ परेशानी। चलें आप कैलकुलेशंस पे आते हैं। K2 और K9 का सारा डाटा दिया हुआ है, K2 K9 का सारा डाटा दिया हुआ है सवाल के अंदर, बस उसी को उठा के यहां लिख लिया। कंट्रीब्यूशन निकल आई, आर्स दिए हुए, कहां दिए हुए, ये लेबर कॉस्ट पर यूनिट है, 300 रुपए का एक आर है, तो इसको 300 से डिवाइड करेंगे तो आर निकल आएंगे, तो ये वो आर आ गए। K2 K9 में कोई एतराज? अब रैंकिंग में चूंकि कंट्रीब्यूशन लेनी है तो A1 की भी कंट्रीब्यूशन ही चाहिए, लेकिन अब ये एक रेगुलर प्रोडक्ट नहीं है, ये एक स्पेशल ऑर्डर है, इसलिए अब इसका मटेरियल लेबर और वेरिएबल ओवरहेड सिर्फ लेने की बजाय हमें इनकी रेलिवेंट कॉस्ट लेनी पड़ेगी, यानी इस पे लगने वाले मटेरियल की रेलिवेंट कॉस्ट लेनी, इस पे लगने वाली लेबर की रेलिवेंट कॉस्ट लेनी, क्योंकि ये स्पेशल ऑर्डर आ गया। तो इसलिए अब सिर्फ सिंपली डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड नहीं है, अब रेलिवेंट कॉस्ट है। ये बात मैं इसलिए इतने जोर देकर कह रहा हूं कि हो सकता है कि ये जो A1 है इसकी लेबर को कहीं से लाना पड़ता, कोई और काम छुड़वाना पड़ता, तो वो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। फिर इसी तरह से जो मटेरियल हम इस पे इस्तेमाल कर रहे हैं वो मटेरियल हमें रेगुलर यूज का उठाना पड़ता, वही जो रेलिवेंट वाली चीजें हैं, तो रेलिवेंट कॉस्ट लेनी पड़ेगी क्योंकि ये स्पेशल ऑर्डर है। अब उस रेलिवेंट कॉस्ट में अगर कोई फिक्स कॉस्ट भी बीच में आ रही है चूंकि रेलिवेंट है, उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा, वरना रैंकिंग फेयर नहीं रहेगी। तो सारा कुछ मैंने वर्किंग वन में दिखाया है, ये वर्किंग वन समझाता हूं। A1 का एक यूनिट बनाएंगे, A1 का एक यूनिट बनाएंगे तो किधर गया ये, A1 का एक यूनिट बनाएंगे तो B1 के 3 चाहिए, C3 के 2 चाहिए। B1 लोकल मार्केट में इतने का अवेलेबल है, ले लेंगे। ये 2500 रुपये किसका रेट दिया हुआ है, ये B1 का रेट दिया हुआ है। तो चूंकि एक A1 के लिए 3 B1 चाहिए, तो 2500 × 3 C3 मार्केट से अवेलेबल नहीं है, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, और जितना C3 चाहिए
टोटल इतने रुपए का आएगा, 24 लाख रुपए का टोटल C3 आएगा। हम ये वर्किंग वन क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, ए का एक यूनिट तो 24 लाख रुपए का C3 चाहिए 3000 ए के लिए, तो इसको 3000 से डिवाइड कर दें। लेबर आवर्स 35 चाहिए और वही वर्कर्स ही हैं, ये तो नहीं कहा कि कोई और वर्कर चाहिए, वही वर्कर हैं जिनका टोटल महीने का 3 लाख अवेलेबल है, तो वो वही 300 रुपए वाले ही हैं। फिर ये वो 300 आ गया। वेरिएबल ओवरहेड्स यहां, वेरिएबल ओवरहेड्स का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन ऊपर वाले डेटा से अंदाजा हो रहा है कि लेबर आर्स के साथ वेरिएबल ओवरहेड्स लिंक है। तो जब ये A1 बनेगा, बेशक यहां अलहदा से जिक्र नहीं है, लेकिन लेबर आर्स होंगे तो फिर वेरिएबल ओवरहेड्स भी आएंगे। यहां वेरिएबल ओवरहेड्स का जिक्र नहीं है, लेकिन पता है कि वेरिएबल ओवरहेड्स लेबर के साथ लिंक है, तो जब लेबर आर्स हैं तो फिर वेरिएबल ओवरहेड भी आएंगे। एक A1 के लिए, ये बात मैं आपको किसी बोर्ड पे सॉल्व करके भी बता देता हूं, एक A1 के लिए 35 आर्स चाहिए इनटू 300 रुपए। क्यों किया, लेबर कॉस्ट निकालने के लिए, क्योंकि 300 पर आर है और एक A1 के लिए 35 आर्स, तो 35 इंटू 300। इसी तरह वेरिएबल के लिए भी यही 35 आर्स, इससे मल्टीप्लाई करूं वेरिएबल ओवरहेड्स पर आर, ये लेबर आर्स है, इनटू 300 रुपए पर आर, तो बन गया आंसर क्या, लेबर कॉस्ट के रुपीस पर। वर्किंग वन, हम A1 के एक यूनिट के खर्चे कैलकुलेट कर रहे हैं, ये तो इतने दिन से कर रहे हैं यार, एक यूनिट के लिए इतने आर्स लग रहे हैं, ये पर आर है तो मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह वेरिएबल ओवरहेड्स भी अगर मुझे A1 के पर यूनिट निकालने हैं तो 35 आर्स इंटू वेरिएबल का रुपीस पर आर, वो नहीं दिया हुआ। अब उसके लिए ऊपर ही से, चूंकि हमने लिंक लिया था कि लेबर आर्स का ताल्लुक वेरिएबल से है, यहां से ही कोई हिंट निकालना है। K2 K9 दोनों में सेम लेबर इस्तेमाल हो रहा है, वही 300 रुपए वाला सेम लेबर इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर वेरिएबल ओवरहेड का भी इन दोनों के लिए कोई सेम ही पर आर रेट होगा। चाहे K2 यूज कर लें, चाहे K9 कर लें, मैं दोनों यूज करके दिखा देता हूं। ये 1875 रुपए क्या है, वेरिएबल ओवरहेड्स की K2 की पर यूनिट फिगर 1875 दी हुई है, ये है 1875 रुपए पर यूनिट। ये कैसे बना होगा, ये बना होगा कि K2 के लिए आर्स कितने लगते हैं और वेरिएबल ओवरहेड पर आर कितना है। K2 के लिए आर्स कितने लगते हैं, ये अभी लेबर के लिए निकाले थे 15, इसको 15 से डिवाइड करते हैं, ऐसे वेरिएबल का पर आर निकलेगा। चाहे K2 से कर लें, चाहे K9 से कर लें, K9 से करके दिखाता हूं। K9 में वेरिएबल पर यूनिट कितने हैं, ये 3125 कैसे बना होगा, आर्स को इस रुपीस पर आर से मल्टीप्लाई किया होगा, तो ये अभी आर्स निकाल लिए इसके 35, इसको 25 से डिवाइड कर दें, ये सेम आएंगे दोनों। तो इस तरह से वेरिएबल रुपीस पर आर निकाला है, वो निकल आया 125, उसको फिर 35 से मल्टीप्लाई किया। K2 K9 दोनों से निकाल के दिखा दिया मैंने, और उसके अलावा एक मशीन किराए पे लेनी पड़ेगी, और ये हम पहले कर चुके हैं कि अगर एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं तो सस्ती वाली ऑप्शन पे जाएंगे। अब ये दो ऑप्शंस क्या हैं, एक ऑप्शन है कि 9 लाख रुपए पे मशीन किराए पे ले लें एक महीने के लिए, लेकिन अगर खुद इस्तेमाल नहीं करनी, सब लेट का मतलब है किसी और को किराए पे दे देना, सब लेट लीज किराए पे लेने को कहते हैं, लेट करना, सब लेट आगे किसी को किराए पे दे दें,
तो हमने जिसे इस मशीन को किराए पे लेना है उसने इजाज़त दी है, चाहो तो आगे किसी को किराए पे दे देना। हमें यह मशीन चाहिए कितने दिन के लिए? 5 दिन के लिए, ये बात लिखी है ये। तो हम जब इससे 9 लाख रुपए पे पूरे महीने के लिए किराए पे लेंगे तो पड़ेगा बेशक 9 लाख, लेकिन हम उसको 5 दिन यूज़ करके बाकी 25 दिन इस पे दे देंगे, तो हमें इस ऑप्शन पे नेट खर्चा इतना पड़ेगा। 9 लाख किराया देंगे और 25 दिनों का 20,000 ये किराया लेंगे, तो नेट इतना पड़ेगा। या फिर दूसरी ऑप्शन ये है कि इससे किराए पे ले लें और पर डे उसको 57,000 दे दें, तो 5 दिन का 57, ये बेहतर। तो ये फिक्स्ड है बेशक, मशीन रेंट फिक्स्ड है लेकिन रेलिवेंट है, इसलिए इसको कंसिडर करना पड़ेगा। और चूंकि हम लोग वर्किंग वन कर ही पर यूनिट रहे हैं तो उसको भी पर यूनिट बना के करना पड़ेगा, ये पर यूनिट उसको 95 बना लिया। ये आ गया सारा A1 का डाटा, और यहाँ से इधर रैंकिंग हुई और रैंकिंग से आगे स्केड्यूल बन गया। जी अब जिनको उसको दोबारा सुनना हो तो सुन लेना, वीडियो बार बार प्ले कर लेना। कल वाला कौन था? अच्छा एक मिनट, हाँ जी क्या पूछ रहे? कहाँ निकाले मैंने? ये 100 कैसे निकाले? अच्छा ये जो इसमें OAR शामिल है वो OAR पर आर है। तो ये कल वाले सवाल, कल भी मैंने वो सीगल लिमिटेड वाले में बताया था, अगर मैं यहाँ से फिक्स OAR ढूंढूँ, जैसे वेरिएबल OAR ढूंढा है बिल्कुल इस तरह फिक्स भी ढूंढ सकते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही, वो फिक्स्ड OAR कैसे निकला होगा? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स को डिवाइडेड बाय बजटेड लेबर आर्स किया होगा, ये वो बजटेड लेबर आर्स। तो इससे उल्टा चल के वो, तो ये फिक्स्ड OAR निकाला बिल्कुल उसी तरीके से, उसको फिर 3 लाख से मल्टीप्लाई कर लिया। तो अच्छा ये कैसे पता ये बजटेड लेबर आर्स है? मैं इतना ही है तो ये बजटेड लेबर आर्स है, इस तरह वो टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स तक पहुँचे। अच्छा जी आप क्या पूछें? ये सवाल हो गया, चलें अब आप बोलिए। हो सकता है हाँ, ऐसे यही हो रहा है, तो वही लिया है। टोटल कंट्रीब्यूशन कितने यूनिट्स का जो एडिशनल बनेंगे? हम पहले 25,000 बीटा बनाते, जी बनाते थे, चलो बनाते थे, 2.5 लाख बनाते थे, मजीद कितने बनाएंगे? 15,000, तो उन 15,000 का ही लिया कंट्रीब्यूशन। आप कह रहे हैं कि जी हम पहले भी बनाते हैं तो हमें सिर्फ एक्स्ट्रा वाला ही लेना चाहिए था, तो एक्स्ट्रा वाला ही लिया ना, हम 15,000 ही यूनिट्स और बनाएंगे तो एक्स्ट्रा ही लिया। कल आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया था, सवाल उसका कराता हूं आज। कॉन्सेप्ट का रिकैप ले लें, जब हमने मेक और बाय डिसीजन करना है मल्टीपल प्रोडक्ट्स का तो उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, सबका मेक अच्छा है लेकिन फैक्टर्स लिमिटेड है, इसलिए सारे के सारे बना नहीं पाएंगे। लेकिन अब ये टेंशन नहीं है कि सेल नहीं हो सकेगी, सेल कर लेंगे, जो नहीं बना सकेंगे वो खरीद के बेच लेंगे। इसलिए हमने जो रैंकिंग करनी है वो सादे कंट्रीब्यूशन की बेस पे नहीं करनी, एक्सेस यानी डिफरेंशियल कंट्रीब्यूशन की बेस पे करनी है। स्प्रिंग 17 पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 8। स्प्रिंग यानी मार्च 17, क्वेश्चन नंबर 8। बल्कि नहीं नहीं सॉरी, अरे नहीं ठीक है, मैं FR1 खोला हूँ, ठीक है ठीक है, मार्च 17 क्वेश्चन नंबर 8।
मार्च 17 क्वेश्चन नंबर 8 एन के एंटरप्राइजेस पढ़ लीजिए, मैं करता हूँ बोर्ड पे। हाँ जी, एन के एंटरप्राइजेज वेरियस कंपोनेंट्स फॉर टेलीकॉम कंपनीज बनाता है और प्रोडक्शन फैसिलिटी इसकी रिस्ट्रिक्टेड है 50,000 मशीन आवर्स तक, लिमिटिंग फैक्टर आ गया। इसलिए एन के इज कंसिडरिंग कि वो कुछ कंपोनेंट्स एक्सटर्नली बाय कर ले। पहले प्रोड्यूस करता है, अब वो बाय करने का सोच रहे हैं, मेक और बाय आ गया। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है, चार कंपोनेंट्स ये बनाते हैं और इन चारों कंपोनेंट्स का डाटा अवेलेबल है। अगर इन हाउस कॉस्ट, मतलब इन हाउस यानी जो खुद बनाएंगे, तो ये जो इन हाउस कॉस्ट है ये है बनाने की कॉस्ट, और लास्ट लाइन टेबल की क्या है, एक्सटर्नल प्राइस ऑफ द कंपोनेंट। अगर हम बाहर से खरीदेंगे तो क्या सेल प्राइस नहीं बताई इनकी, तो कोई बात नहीं, हम कॉस्ट को कंपेयर कर लेंगे। तो परचेज कॉस्ट बता दी टेबल की लास्ट लाइन, और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी अवेलेबल है, बाकी लिमिटिंग फैक्टर मशीन आवर्स हैं, और बस। तो सवाल की रिक्वायरमेंट है नंबर ऑफ यूनिट्स बी प्रोड्यूस्ड इन हाउस और व्हाट एक्सटर्नली, यानी ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बताना है और परचेज प्लान बताना है। ये सवाल इस टॉपिक का है, इसको पहचानने में कोई इख्तलाफ, चलिए कर लेते हैं। फिर ये लिमिटिंग फैक्टर सादा सा क्वेश्चन होता है, फिर सेल प्राइस बताई होती। एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, ये कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 8 स्प्रिंग 17। अच्छा, डिफरेंस किसका लेना है, कॉस्ट का ना, तो परचेज कॉस्ट और मेक कॉस्ट का डिफरेंस लेना है। तो सवाल करने के तरीके में सिर्फ एक लाइन की अंग्रेजी बदलेगी, सेल प्राइस में से हम मेक कॉस्ट माइनस करते थे, अब परचेज प्राइस में से कर देंगे। हम नॉर्मल सवाल करते हुए सेल प्राइस माइनस प्रोडक्शन, अब हमने प्रोडक्शन कॉस्ट का किससे डिफरेंस लेना है, परचेज प्राइस, तो सेल प्राइस की जगह परचेज प्राइस, कॉस्ट का डिफरेंस आ जाएगा, कॉस्ट का डिफरेंस लेना है ना। तो पहले सादा कंट्रीब्यूशन निकालते हुए हम लोग सेल प्राइस में से मैन्युफैक्चरिंग खर्चे माइनस करते हैं, अब हमने मैन्युफैक्चरिंग खर्चों का परचेज प्राइस से डिफरेंस लेना है, तो इसका मतलब परचेज प्राइस में से मैन्युफैक्चरिंग खर्चे माइनस कर देते हैं। इसीलिए जब मैंने 2 दिन पहले एक सवाल करवाया था तो उसमें ए और बी की तो सेल प्राइस थी, सी की मैंने मार्केट से परचेज प्राइस उसकी जगह रखवाई थी, एक सवाल मैंने किया था बोर्ड पे, ए बी सी, मेरा ख्याल ऑटम 2016 का सवाल था। तो ए और बी की सेल प्राइस दी हुई थी और सी के बारे में उसकी परचेज के मार्केट से मिलता कितने का है, मैंने उसको सेल प्राइस की जगह पर रखवाया था। तो वो ये रीजन था कि वो मेक और बाय था सी, और बाकी खुद बनाने वाले थे। तो इसमें हम लोग परचेज प्राइस ले लेंगे अब सेल प्राइस की जगह, ताकि दोनों का डिफरेंस आ जाए। 35 34 33, ये हो गई परचेज प्राइस, ये परचेज प्राइस। मेक कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट, मटेरियल 20 28 23 22, लेबर
9, 5, 9, 8. अच्छा, ये रुपीस पर आर दिए हुए हैं कि रुपीस पर यूनिट ही दिए हुए? कुछ भी नहीं कहा, लिखा हुआ बोल्ड किया हुआ उसने, पर यूनिट है ये, बस एज इट इज यूज कर रहे हैं इनको। इसलिए फैक्ट्री ओवरहेड नहीं, ये तो टोटल है। कैसे पता टोटल है? क्योंकि बस फैक्ट्री ओवरहेड लिखा हुआ है, तो ये टोटल है फिर। लेकिन हमें चाहिए वेरिएबल वाले, और ये काम पहले भी कई दफा कर चुके कि अगर इसमें से फिक्स्ड वाले निकाल लें तो पीछे वेरिएबल रह जाएंगे। अच्छा ये ना मैं आपको इधर फार्मूले में बताता हूँ, ये बिल्कुल ठीक है बात। आप एग्जामिनर को फार्मूला बता दें कि आप क्या करने लगे। इन सबके एफ ओ एच दिए हुए, उसमें से माइनस करने लगे क्या फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट, पर यूनिट तो 1.5-1.5 रुपया माइनस कर दें, फिर वो आर है। तो हम कहेंगे कि जी हम आपके दिए हुए 1.5 रुपए को मशीन आर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे हर एक के, और उसके दिए हुए एफ ओ एच में से माइनस करते जाएंगे। तो फार्मूला बता दिया काफ़ी है, बजाय इसके कि वर्किंग लिखे अलग। ये भी बिल्कुल ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड सवाल में दिए हुए, उसमें से हम फिक्स्ड पोर्शन माइनस कर लेते हैं, तो फिक्स्ड 1.5 रुपया दिया लेकिन वो पर आर है, तो हर एक के मशीन आर जो के दिए हुए सवाल में, उससे मल्टीप्लाई कर करके इसमें से माइनस करते जाते हैं, पीछे वेरिएबल रह जाएगा। तो जैसे मैं एक का बोल के बताता हूँ, एक्स वन का ये है 16 माइनस 1.5 रुपये इंटू 8, तो पीछे वेरिएबल एफ ओ एच रह गया 4। एक्स टू का ये है 8 माइनस 1.5 × 4, 2। एक्स थ्री का 8.5 माइनस 1.5 × 5, 1। और एक्स फोर का 5 माइनस 1.5 × 2। और एलोकेटेड एडमिन नहीं करेंगे, तो मेक की कॉस्ट हो गई 33, 35, 33 और 32, और इनका है हमने जो डिफरेंस है वो हो जाएगी एक्सेस कंट्रीब्यूशन 2, 5। ये है मल्टीपल प्रोडक्ट्स का मेक और बाय, जिसमें हमने प्रोडक्शन कॉस्ट और ये परचेज कॉस्ट का डिफरेंस लेना है। अच्छा, अगर इस सवाल में इसकी परचेज प्राइस एक्स फोर की बात कर रहा हूँ मेक से कम आ रही होती, परचेज प्राइस मेक से कम आ रही होती, इसको तो साइड पे करके बाय करते हैं, बाकी सवाल फिर इन तीन का सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमने सवाल रैंकिंग वाला सॉल्व ही उनका करना है जिनकी मेक बेहतर है। तो देखिए सबकी मेक बेहतर है, एक्सेस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गई। अब आगे नहीं, इसकी नहीं रैंकिंग करनी, इसको अभी एक्सेस कंट्रीब्यूशन पर आर करना है, ये पर यूनिट है। तो इनका लिमिटिंग फैक्टर है मशीन आर्स, और मशीन आर्स चाहिए 8, 4, 5, 2। तो एक्सेस कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर बन गई 0.25 5। तो नंबर वन नहीं हो गई रहेगी। नहीं नहीं, एक्सेस कॉस्ट नहीं लिखी मैंने, एक्सेस कंट्रीब्यूशन। कल थे क्लास में, अगर इसको खरीद के बेचते, इसकी सेल प्राइस नहीं थी, चलो मैं कहता हूँ 50 रुपये, अगर इसको खरीद के बेचते तो 15 रुपये कमाते, और अगर बना के बेचे तो हम बना के बेचने में, खरीद के बेचने के मुकाबले में कितना ज़्यादा कमा लें? 2, ये वो 2।
या तो वो दोनों की कंट्रीब्यूशन का फर्क है या दोनों की कॉस्ट का फर्क है, एक ही बात। तो इस लाइन का मतलब है कि हमें इन प्रोडक्ट्स को मेक करना इतना एक्स्ट्रा फायदा दे रहा है बाय की निस्बत। इसको फिर करना है पर आर, और इसकी बेस पर रहते हैं सवाल सॉल्व करने के अतबार से। अगर गहराई देखें, मतलब करने की बात देखें, तो सिर्फ मैंने सेल प्राइस को परचेज प्राइस से बदला है। नहीं, वो आवाज आई नहीं होगी। रैंकिंग डन। अब इस रैंकिंग के बेस पे ऑप्टिमम प्लान बना लेते हैं। अच्छा, मैं ना आप सबके पास चूँकि पोर्टल है तो एक्स्ट्रा है, ये जो बात बता रहा हूँ ये एक्स्ट्रा है। ये सीए फाइनल का एक सवाल था और बड़ा लंबा चौड़ा सवाल था, यानी काफ़ी लेंथी कैलकुलेशन थी उसमें। जो करना चाहे रेलिवेंट कॉस्टिंग की उसमें और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, जो करना चाहे। वो काफ़ी फाइनल लेवल का सवाल था, अगर करना चाहे तो। वो मैं आपके कोर्स में रख रहा हूँ एक सवाल, और कोर्स में रख रहा हूँ अगर हस्बे तौफीक को करना चाहे, क्वेश्चन भी है सॉल्यूशन भी है अगर कोई करना चाहे तो एक्स्ट्रा। और एक सवाल है तो कैफ का, लेकिन वो था बड़ा अजीब सा। तो इस तरह के अजीब सवाल नॉर्मली क्लास में करवाना वो काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकते हैं कि स्टूडेंट समझे यार ये तो मेरे कुछ भी नहीं आती ज़िंदगी में कॉस्ट। तो इसलिए मैंने इसको क्लास में नहीं करवाया, वो भी हस्बे तौफीक जिगर वालों के लिए सिर्फ। अगर वो करना चाहे तो उसका अपने फॉर्मेट में मैं सोल्यूशन रख रहा हूँ कोर्स में। ये दो चीज़ें जो हस्बे तौफीक है अगर कोई करना चाहे तो। एक मैं सवाल कोर्स में रखूँगा, एक चैम्पियन लिमिटेड के नाम से एक सवाल होगा ये, मैं और मैं इसका नंबर दे दूंगा साथ कि मैं लेक्चर 91 में, चूंकि मैंने ये बात बोली है तो मैं उसका साथ ब्रैकेट में रेफरेंस दे दूंगा। इस लेक्चर 91 के नीचे रख दूंगा वो फाइल। एक ये दूंगा और एक सवाल है क्वेश्चन 4 स्प्रिंग्स 11, ये टोपेज लिमिटेड के नाम से सवाल है। क्वेश्चन 4 स्प्रिंग 11, इसका सोल्यूशन आई कैप वाला मुश्किल से समझ आ रहा है तो उसको मैंने कोशिश की है काफ़ी एक्सप्लेनेटरी बना के, तो ये मैं उधर प्लेस कर दूंगा। ये दो हस्बे तौफीक हैं कोई करना चाहे तो। क्वेश्चन तो आपके पास अलग से है, सोल्यूशन रख दूंगा। ये क्वेश्चन सोल्यूशन दोनों है, ये सीए फाइनल का एक सवाल है और ये इसका सोल्यूशन मैं अपने फॉर्मेट में बना के लेक्चर 91 के नाम के साथ में कोर्स में रख देता हूं, तो अगर कोई करना चाहे तो। कहाँ से शुरू होगा जी? पहले x2 बनेगा कितना? 2000। आठ हजार बाकी रह जाएगा 42,000। फिर x4 बनेगा, बन जाएगा पूरा 4500। 9000 है 33। फिर x1 बनेगा, बन जाएगा पूरा? नहीं बनेगा। ये हो गया ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान। सवाल में ये पूछा तो नहीं है कि ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बनाए, उन्होंने कहा है बताएं कितने यूनिट्स बनाएं और कितने यूनिट्स खरीदें। तो सवाल से पता चल रहा है कि लिमिटिंग फैक्टर का सवाल है, तो अगर पूछ रहा है कितने यूनिट्स बनाएं तो अच्छा वाला ही बताएंगे ना, अच्छे यूनिट्स बनाए ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान। तो बस सिर्फ ये पूछा था कितने बनाए, तो फिर परचेज प्लान भी बता देते हैं।
ये टेबल खत्म हो गया, बस ये खत्म हो गया। परचेज प्लान भी बता देते हैं। क्या क्या खरीदना पड़ेगा? X1 खरीदना पड़ेगा और X3 खरीदना पड़ेगा। पहले कौन सा खरीदे? जो मर्जी खरीदे, जिसकी दुकान करीब है वो खरीद ले। ये तो इसमें मसला है ना रैंकिंग का, खरीदना तो जो मर्जी है, जो मर्जी खरीद ले। तो X1 भी खरीद लेंगे और X3 भी खरीद लेंगे। X1 कितने खरीदने रह गए? इतने तो बना लेंगे, 2, 3, 7, 5। और X3 सारे ही खरीदने पड़ेंगे, 7, 1। इतनी तमीज बांधी लेक्चर के शुरू में, तो आखिरी क्लास में थोड़ी बांधनी थी। अभी तो बहुत सारी मशक्कतें रहती हैं। आप इसको लिखें पूरा, फिर इसके बारे में एक नोट बताता हूं। नोटेड? कोई मुश्किल परेशानी इस सवाल में कहीं पर बताया कि कोई हमारी कमिटमेंट है ऑलरेडी? कोई कस्टमर का ऑर्डर एक्सेप्ट किया हुआ है? बताया होता तो क्या करते? चले एक्सेप्टेड है, नहीं मना कर सकते, क्या करते? पहले वो बनाते। हाँ जी बिल्कुल। देखें अगर कोई कमिटमेंट होती तो उसको पहले इसलिए बनाया करते थे कि कहीं वो रह ना जाए बनने से। अब तो रहेगा ही नहीं, नहीं बनाएंगे तो क्या, खरीद के बेच देंगे। तो इसलिए अगर इस मेक और बाय वाले सवाल में कोई कमिटमेंट आ भी गई, उसका हमारे सोल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही करेंगे जैसे ये किया, क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर में ये इसलिए करना पड़ता था क्योंकि अगर नहीं बना सके तो बस फिर नहीं बेच सकेंगे, लेकिन यहाँ पर तो बेच ही लेंगे। इसलिए अगर इसमें कमिटमेंट का मसला आ गया तो उसे सोल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही रहेगा। बस जवानी होगी याद ना। नोटेड। चलिए एक और करते हैं इसका सवाल। स्प्रिंग नहीं, ऑटम 14 में क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ लें, करता हूँ।
ऑटम 2014 यानी सितंबर 14, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लीजिए करता हूँ। ये मेक और बाय का मैंने वो थ्रेटिकल पॉइंट बताया था ना, क्यों नहीं बताया? वो नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस, ठीक। ये पार्ट ए में वही पूछा हुआ 3 नंबर का। ये पढ़ लें तो मैं करूँ। अच्छा, एक्स्ट्रा क्लास तो है, एक सवाल अगर होमवर्क कर दें तो आपकी मेहरबानी। अल्लाह आपकी जल्दी शादियां कराए, एक होमवर्क कर रहे हैं, एक सवाल होमवर्क। स्प्रिंग 19 क्वेश्चन नंबर 2। अभी तो प्लान FAR 1 की एक्स्ट्रा करने का है कल, आपकी आज शाम के बाद बता सकूंगा कि मैं आज शाम में क्या करवा पाता हूँ। मैंने एक सवाल होमवर्क कहा है स्प्रिंग यानी मार्च 19 क्वेश्चन नंबर 2। ये जो अभी बोर्ड पे सवाल किया था वैसे मिलता जुलता ही सवाल है, थोड़ा सा एडवांस है लेकिन ठीक है। और ये 13 नंबर का था, वो 11 नंबर का है। स्प्रिंग 19 क्वेश्चन 2, चलें अभी पढ़ लिया तो मैं करूं। तीन प्रोडक्ट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स अभी हम बनाते भी हैं और ख़रीदते भी हैं। और अभी जो टेबल दिया हुआ है ये मैनेजमेंट ने ऑलरेडी बजट कर लिया अपनी तरफ से, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि अच्छा हो। ये तो बस उन्होंने खुद सोचा है कि ये करना है। ये तो आपसे पूछा है उन्होंने कि बताएं आप बेहतर प्रोडक्शन प्लान क्या है। बेहतर कहाँ से आ गया? टू मैक्सिमाइज कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी। तो इसमें बेशक वर्ड ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान का नहीं है, लेकिन मकसद बता दिया प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। तो जो ऊपर इन्होंने बजट बनाया हुआ है, देखिए ऊपर जो बजट बनाया हुआ है अगर देखें तो उन्होंने भी अपनी तरफ से प्रोडक्शन प्लान ही बना के दिया है। उन्होंने ये प्लान ही किया हुआ है कि हम ए के 30,000 यूनिट्स बनाएंगे और 12 खरीदेंगे, बी के 25 बनाएंगे 10 खरीदेंगे, सी के 22,500 बनाएंगे 4,000 खरीदेंगे। ये अपनी तरफ से प्लान बनाया हुआ है, ये बजट है, लेकिन ये सही नहीं है। तो आपसे रिक्वायर्ड है कि ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बना दें। कैसे पता मेक और बाय है? क्योंकि इंपोर्ट बाय ही होता है, तो हमने इनको या तो बनाना है या हमने खरीदना है। तो ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान और इंपोर्ट प्लान, ये सवाल की रिक्वायरमेंट है। डेटा जो उस वक्त टेबल में दिया हुआ है, बस अभी पिछले सवाल से इसमें फर्क यह है कि ये टोटल करके दिया हुआ, ये रुपीज इन मिलियन टोटल बना के दिया हुआ है। तो ऊपर वाले यूनिट से डिवाइड कर लेंगे तो पर यूनिट बन जाएगा। जो अभी काम किया था उसमें दिया ही पर यूनिट हुआ था, इसमें टोटल दिया हुआ है। और ये जो पूरा टेबल है, ये पूरा टेबल बजट है। ये जो इस टेबल के अंदर रुपीज इन मिलियन आ रहे हैं, ये कितने यूनिट्स के रुपीज इन मिलियन आ रहे हैं? जो जो इसे जस्ट ऊपर दिए हुए, इसी टेबल में
जो आपको रुपीज इन मिलियन का सारा डाटा दिया हुआ है, ये कितने यूनिट्स का टोटल है रुपीज, जो इससे जस्ट ऊपर यूनिट्स लिखे हुए हैं, तो उनसे डिवाइड करते जाएंगे तो पर यूनिट डाटा बन जाएगा, तो ये वही चीज बन जाएगी जो भी किया था। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 5B ऑटम 14 A B और C, इनकी परचेज प्राइस क्या है, यानी इंपोर्ट की प्राइस क्या है। अच्छा पहले पहले आसान वाला करता हूं, पहले आसान वाला बनाता हूं, प्रोडक्शन कॉस्ट देखते हैं। अच्छा अब आपकी मर्जी है, चाहे तो ये जो मटेरियल लेबर और ओवरहेड दिए हुए हैं इन सब को बारी बारी पर यूनिट करके लिखते जाएं, या एक फार्मूला लिख दे बस, और नहीं ये तो अभी मैं भी जज्बात में आके उसके जवाब में बोल गया, या फिर मटेरियल लेबर ओवरहेड्स टोटल लिख दें, उनकी टोटल अमाउंट को ही फिर एक बार डिवाइड कर लें, मटेरियल लेबर वेरिएबल, ये लिख के तो दिखानी है ना, एग्जामिनर को तो बताना ही हम कौन कौन सी कॉस्ट ले रहे हैं, फिक्स नहीं ले रहे बाकी ले रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि आप चाहे पहले रुपीज इन मिलियन सारे लिख दें, फिर टोटल करके एक ही बार यूनिट से डिवाइड कर दें, चाहे तीनों को सब अलग अलग पर यूनिट करके लिख दें, क्या करें। तो मटीरियल कितना 48, बी 31.25, सी कितना पॉइंट, लेबर 56.25, वेरिएबल ओवरहेड्स 33.29, ये 5 है 29.25, फिर बता रहा हूँ ये जो सारे रुपीज इन मिलियन दिए हुए हैं ये किन यूनिट्स के टोटल दिए हुए हैं, जो इसी टेबल में ऊपर टोटल बताए हुए हैं, तो इनको किससे डिवाइड करें है? ये 116 है, 126 है, तो इसको किससे डिवाइड करें, वो जो प्रोडक्शन वाले यूनिट्स हैं, क्योंकि प्रोडक्शन के खर्चे लिखे हैं तो यकीनन उन्हीं के टोटल लिखे होंगे, तो प्रोडक्शन वालों से डिवाइड कर दें, तो ए बन गया 4200, मिलियन को 30,000 से डिवाइड कर दिया, कितना ही आता है ये 5600, ये हो गई मेक ऑप्शन की पर यूनिट कॉस्ट। किससे कंपेयर करना है इसको, परचेज प्राइस यानी इंपोर्ट कॉस्ट, लिखने की स्पीड बढ़ाएं यार, ये पूरा करना है मैंने टाइम थोड़ा।
चलिए जल्दी, परचेज प्राइस यानी इंपोर्ट कॉस्ट पर यूनिट, ए की लाइन दी हुई है तो यूनिट से डिवाइड करके, यहाँ तो तीन लाइनें थी ना तो मैंने पहले टोटल कर लिया, इंपोर्ट कॉस्ट तो ए की लाइन है तो उसको यूनिट से डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन क्या जो ऊपर टेबल में लिखी है इसी को ही यूज कर लें या इसको डिस्काउंटेड करें? चले, जिनको अंग्रेजी नहीं समझ आई, पॉइंट नंबर टू ने कहा हुआ है कि अगर हमने जितने पहले खरीदने का ऊपर बजट बनाया है उससे ज्यादा खरीदे तो सप्लायर्स से डिस्काउंट मिल जाएगा। AL believes that it can obtain substantial quantity discounts, quantity discounts, bulk discount, quantity discount, के ज्यादा खरीदो तो सस्ता होगा, from foreign suppliers यानी import, if it increases the import volumes, कि अगर वो import volume बढ़ा दें, किससे बढ़ा दें, जो अभी है, कितना बढ़ा दें, बस जितना भी बढ़ा दें, बस कहा है इंक्रीज, चाहे एक बढ़ा दें। Each product is supplied by a different supplier, इसलिए discount percentages अलग अलग है। तो अब हमने जो ऊपर figures 68.4 million, 47 million, 26.88 million, इसको divide कर दें या discounted price लें? मतलब नहीं, मेरा जुमला ही सही नहीं था, इसी को ही use कर लें या discounted price? क्यों? अच्छा चलो ठीक है, इसको पर यूनिट निकालने के बाद डिस्काउंट कर लें फिर इससे कंपेयर करें या इसी टेबल वाले को ही कंपेयर करें? मेरा सवाल दोबारा, जो आपको टेबल की लास्ट लाइन इंपोर्ट की कॉस्ट दी हुई है ये तो एग्जिस्टिंग के हिसाब से होगी ना, क्योंकि अभी तो कहा है कि बढ़ाओगे तो डिस्काउंट मिलेगा। जैसे चलिए एक वैल्यू दे देता हूं, 68.4 मिलियन को डिवाइड कर दें किससे, 68.4 मिलियन को 12,000 से कितना आया, 5700। मेरा सवाल यह है कि 5700 और इसका डिफरेंस लूं या 5700 को पहले 15% डिस्काउंट कर दूं? 5700 ही रहने दें। फिफ्टी सेवन हंड्रेड ही ना समझ आया हो किसी को, 68.4 मिलियन डिवाइडेड बाय 12,000 यूनिट्स, तो एक हमें अभी इस वक्त मिलता है 5700 का, तो इसका 57 से ही डिफरेंस लेना है या 5700 को डिस्काउंट करके फिर डिफरेंस लेना है? डिस्काउंट करके, तो डिस्काउंट करके, अच्छा हाँ जी, डिस्काउंट करके नहीं, नहीं डिस्काउंट कर, नहीं करना, किसी को रैम नहीं आ रहा। जब हम मेक ऑप्शन और बाय ऑप्शन का कंपैरिजन कर रहे होते हैं, देखिए लिमिटिंग फैक्टर को भी साइड पे करते हैं कि लिमिटेशन है, जब हम मेक और बाय का कंपैरिजन करते हैं तो हम इस तरह से सोच रहे होते हैं कि अगर मेक करेंगे तो क्या और अगर बाय करेंगे तो क्या, तो अगर बाय करेंगे तो सारा ही बाय करेंगे कि 200 यूनिट बाय कर लेंगे? दोबारा सुनिए, लिमिटिंग फैक्टर बात की बात है, जब मेक और बाय कर रहे हैं यानी मेक और बाय को कंपेयर कर रहे हैं तो यही है ना कंपैरिजन, कि अगर बाय कर लेंगे तो कितने का मिलेगा, अगर मेक कर लेंगे तो कितने का पड़ेगा। तो अगर बाय कर लेंगे यानी सारे ही बाय कर लेंगे या बस थोड़े से बाय कर लेंगे, सारे ही कर लेंगे, तो जब सारे ही करेंगे तो सस्ते ही मिलेंगे ना। देखिए दो रास्तों को कंपेयर कर रहे हैं हम, मेक और बाय। ऑप्टिमम प्लान तो बात की बात है कि इसमें कौन सा ज्यादा बेहतर है मेक करना, कौन सा ज्यादा बेहतर इंपोर्ट करना है, लेकिन अभी मेक और बाय का कंपैरिजन है तो वो तो इसी बुनियाद पर ही है ना कि बाय करेंगे तो सारे करेंगे, मेक करेंगे तो सारे करेंगे, क्योंकि अगर किसी का बाय सस्ता हो तो उसको तो यहां से निकाल देना है, तो फिर उसको पूरा ही बाय करना होगा ना, तो जब पूरा ही बाय करेंगे तो डिस्काउंटेड ही होगी, इसलिए डिस्काउंटेड प्राइस ही लेंगे, वरना वो हो सकता है कोई अच्छी डिस्काउंटिंग और वो मिस हो जाए। अगर मैंने 5700 ही लिख लिया, हो सकता है डिस्काउंट होके वो 4000 हो जाना होता, तो हम 57 देख के उसको मेक कर लेते, हालांकि उसको बाय करना बेहतर है, तो अगर बाय करना बेहतर हुआ तो सारे ही बाय करने थे ना, तो इसलिए सारे ही करेंगे तो 12,000 से जब ज्यादा करेंगे तो उस डिस्काउंट ही मिलेगा, इसलिए डिस्काउंटेड प्राइस लेनी है। क्योंकि सारी फिगर्स अलग अलग हैं तो फार्मूला लिखने की बजाय मैं ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखाता हूं। 40 क्या है, 48 पॉइंट नहीं, नहीं 68.4 मिलियन डिवाइडेड बाय 12,000 लेकिन इनटू 0.85, ये ठीक किया। अच्छा इसी तरह से 47 मिलियन डिवाइडेड बाय
10,000 इंटू पॉइंट नाइन, इसी तरह 26.8 मिलियन डिवाइडेड बाय 4,000 इंटू, ये वाला 15% डिस्काउंट देने पे मान जाएगा या 10% पे मानेगा या 12% पे मानेगा, 4845 है जी, 4230 5913, चलो 4 कर लो, करना तो रैंकिंग ही है ना 4। एक्सेस कंट्रीब्यूशन आ गई 645, ये हो गई एक्सेस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। लिमिटिंग फैक्टर क्या है? मशीन आर, इसके लिए चाहिए, कैसे पता चलेगा? बजट के टेबल में ऊपर देखें, हमने प्लान किया हुआ है कि ए बनाएंगे 30,000 यूनिट्स, देख भी रहे कि नहीं देख, 30,000 यूनिट्स, और इनमें कितने मशीन आवर्स लग जाएंगे, तो एक के लिए कितना डिवाइड कर दें, बजटेड प्रोडक्शन है 30,000 यूनिट्स, बजटेड मशीन आवर्स है 240,000, टेबल के टॉप पे लिखा हुआ, 8, 9, तो एक्सेस कंट्रीब्यूशन पर आर हो गई 80.63.2, तो पहली पोजीशन हो गई ए की, बी, कमिटमेंट इसमें है नहीं, होती भी तो इग्नोर करते, प्रोडक्शन प्लान और परचेज प्लान तो बना ही लेंगे, नहीं मैं बना देता हूँ, कितने से स्टार्ट होगा, 10,000 कितने आर्स अवेलेबल हैं, कैसे पता? तो क्यों बजट आर्स को ऐड करते होते हैं? हाँ, क्योंकि पॉइंट वन में लिखा हुआ है कि एएल इज वर्किंग एट 100% कैपेसिटी, यानी जो बजटेड आर्स हैं बस वही हैं 100%, तो उन ऊपर तीनों को ऐड कर लें, तो फिर बताया होता, फिर सवाल में बताया होता, जैसे पिछले सवाल में बताया था ना कि कितने टोटल अवेलेबल है, फिर बताया होता 7.35, ऊपर वाले सब आर्स को ऐड करके आया, क्योंकि नीचे पॉइंट वन में लिखा हुआ है कि 100% काम कर रहे हैं, तो बस वही हैं आर्स जो हो सकते हैं। ए कितनी डिमांड है? ए की डिमांड 42, बाकी रह जाएंगे 3,99,000। बी की कितनी डिमांड है? बन जाएगा पूरा 35,315, बाकी रह जाएंगे 84 से कितने को सी बना लेंगे, 7,000, तो इंपोर्ट प्लान क्या हो गया सी, बाकी सारे ₹19,000, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।